नमस्ते स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को विद्यापति के जो पद है, जो सिलेबस में है 1 से 18, उन पदों में से कृष्ण वंदना जो है, जो नंबर 1 पद है, उसके बारे में मैं तुम लोगों के सामने चर्चा करूंगी और उसका भावार्थ बोलूंगी। तो नंबर 1 है श्री कृष्ण वंदना। वंदना है नंदक नंदन कतंबक तरुतर धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी अनुघन बिकल मुरारी, जमुनाक तीर उपबन उद्बेगल फिरी फिरी ततहे निहारी, गोरस बेचय अविईत जायत जनी जनी पूछ बन मारी, तोहे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुना किछु मोरा, भनय विद्यापति सुनबर जोबती बंदह नंद किशोरा। अब इस पद का अर्थ है विद्यापति श्रृंगार विलास प्रेमा भक्ति के अन्यतम कवि है। श्रृंगार रस से उनकी पदावली सराबोर है। इस रस का वर्णन करने से पूर्व उन्होंने श्रृंगार रस के देवता श्री कृष्ण की ब्याज से वंदना की है। भावार्थ है, हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे बैठकर मधुर मधुर ढंग से मुरली बजा रहे हैं। वे पूर्व निश्चित मिलन स्थान पर निर्धारित समयानुसार पहुंच गए हैं और वहां बैठकर बारंबार मुरली बजा बजा कर मुरली के स्वर में तुम्हारा नाम ले लेकर तुम्हें बुला रहे हैं। हे श्यामा, मुरारी श्री कृष्ण तुम्हारे लिए पल प्रतिपल आकुल व्याकुल हो रहे हैं और तुम ऐसी हो कि उनसे प्रतिज्ञाबद्ध होती हुई भी अभी तक उनके समीप नहीं पहुंची। वे यमुना के तीर पर स्थित उस उपवन में उद्विग्न होकर पुनः पुनः उसी ओर देख रहे हैं जिस ओर से तुम्हारे वहां पहुंचने की संभावना है। उधर से गोरस बेचने आने जाने वाले प्रत्येक गोप ग्रमणी से वनमाली तुम्हारे विषय में पूछते हैं, हे राधा, तुम मेरी बात पर भी थोड़ा ध्यान दो। तुम स्वयं भी बुद्धिमती हो और कृष्ण भी सुंदर मती वाले हैं, अर्थात तुम दोनों ही समान रूप से बुद्धि संपन्न हो। इस कारण तुम दोनों में परस्पर अनुराग का होना परम स्वाभाविक एवं सहज है। विद्यापति कहते हैं, हे रमणियों में श्रेष्ठ राधा, मेरी बात पर ध्यान दो। नंद किशोर की वंदना करो, वहां उनसे मिलकर उन्हें प्रसन्न करो। अब ये जो पद है उसकी कुछ विशेषताएं है। वो विशेषता इस प्रकार है, इस पद में अनेक ऐसे शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है जो सकारण एवं साभिप्राय रूप से व्यवहारित हुए हैं। कृष्ण के आनंददायक स्वरूप को दृष्टि में रखकर उन्हें नंद का नंदन कहा गया है। राधा कृष्ण के पास जाकर आनंदित होती होगी, इसीलिए उसकी सखी उसे वहां जाने के लिए उकसाती है। धीरे धीरे पद से राधा से कृष्ण की उत्कट मिलनातुरता एवं सामाजिक संकोच को स्पष्ट व्यंजन हो रही है। इस पद में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। किसी काम के प्रारंभ में उस कार्य विशेष की निर्बाध समाप्ति एवं सफलता के हेतु जो इष्ट देव स्मरण किया जाता है, वह भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ट विशेषता रही है। अब न सही, किंतु संस्कृत और हिंदी के प्राय सभी पुराने कवियों ने अपनी रचनाओं के आरंभ में मंगलाचरण सुनियोजन किया है। मंगलाचरण की ऐसी योजना में कवि अपने आराध्य या इष्ट देव की वंदना के साथ ही अपनी रचना के प्रमुख प्रतिपाद्य की भी व्यंजना करा देता है। विद्यापति से यहाँ अपने प्रमुख वर्ण्य विषय श्रृंगार या प्रेमा भक्ति का श्री कृष्ण की वंदना के साथ संकेत कर दिया है। उनका समस्त कृतित्व श्रृंगार विचि विलास अथवा प्रेमा भक्ति से ओतप्रोत है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा कृष्ण वंदना। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट विद्यापति की जो पदावली है, जो भी पदावली है, वो हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।